पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। सितंबर से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा शिक्षक पर्व। 44 शिक्षकों को दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। कासगंज पुलिस ने किया 3 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा। मकान के बेसमेंट से बरामद किए कंकाल। यूपी कैबिनेट का फैसला, 60 दिन में पूरी हो गंगा एक्सप्रेसवे की बिल्डिंग प्रक्रिया। यूपी में अब दिव्यांग बच्चियों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की सुविधा। लखनऊ के राजकीय ममता विद्यालय में मिलेगा प्रवेश। यूपी के 17 जिलों के 1024 गांवों में बाढ़ का कहर। मुख्यमंत्री ने राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। पंचायतों में सोलर लाइट के रखरखाव की होगी व्यवस्था। सीएम नीतीश बोले, बिहार में लगनी चाहिए सोलर लाइट की फैक्ट्री। सीबीआई ने दर्ज किए 30 केस तो और तेज हुआ ममता सरकार और केंद्र के बीच जंग। शिवसेना कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा। यूपी चुनाव 2022 भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। भाजपा को सौंपी 70 सीटों की सूची। देश के दो बड़े नेता जो पहले थे आईएएस, राजनीति में आने के बाद कोई बने सीएम तो किसी ने संभाली वित्त मंत्रालय की कमान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।